एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनीशा स्टाइल्स। और मैं हूँ अनीशा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये है कि मैं आज आपको ना एक DIY फेस पैक प्लस स्क्रब दो भी बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। इस फ्रेंड्स आप आराम से अपने घर पर ही आप बना सकते हो फ्रेंड्स। बहुत इजी है और आपके फेस पर ना बहुत इफेक्टिव भी होता है फ्रेंड्स। और चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को भी ऑन कीजिए, क्योंकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स। और मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनीशा स्टाइल्स। और चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के लिए वीडियो में एंटर हो जाते हैं। पैक बनाने के लिए जो आपको पहला इंग्रेडिएंट चाहिए वो है कि ये राइस फ्लोर, चावल का आटा भी इसे हम बोलते हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1-2 टीस्पून जितना राइस फ्लोर। सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है कि एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी अच्छा ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कि थोड़ा सा एलोवेरा जेल। ये भी आपको 1 टीस्पून जितना ही लेना है। जो थर्ड है वो है कि ये रोज़ वाटर। इंग्रेडिएंट है वो है कि ये विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई आपको ये कोई भी मेडिकल स्टोर में आराम से मिल जाएगा। मैं यहाँ पर एक कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए मैं तो अभी थोड़ा सा रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। और हमें इस पेस्ट को ना अच्छे से मिलाना चाहिए फ्रेंड्स, लम्स विदाउट लम्स। फ्रेंड्स, पैक जो है वो बनकर ना रेडी हो चुका है। हम अभी इसे फेस पर ना अप्लाई करते हैं। फेस पर अप्लाई करने से पहले आपको अपना फेस जो है वो अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है वो है आपको पैक अप्लाई करना चाहिए अपने फेस पर। मैं यहाँ पर अपने फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो आप ब्रश की मदद से भी पैक को अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो है वो है सब कुछ ना नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड्स। इसमें पहला जो यूज़ किया है वो है कि राइस फ्लोर। राइस फ्लोर ना हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन की टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। और कोरियंस वालों ने ना बहुत यूज़ करते हैं राइस फ्लोर अपने अपने फेस पैक्स में। और जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है कि एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ना हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन में जो भी स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसे आराम से ना दूर भगा देता है एलोवेरा जेल। थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है कि रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी ना हमारे स्किन के लिए ना बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। स्किन को ना एक अच्छे सा एक क्लेंजर भी मिलता है रोज़ वाटर। एंड जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है कि विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई ऑयल ना हमारे स्किन के लिए ना बहुत अच्छा है, स्किन में जो भी अनइवन स्किन टोन होता है ना उसे भी इजी से अपने स्किन को ना बहुत एक शाइनिंग भी मिलती है विटामिन ई की कैप्सूल यूज़ करने से। और मैंने अपने फेस को अप्लाई किया है फेस पैक, अब आप देख सकते हो। और मैं इसे ड्राई होने तक वेट करती हूँ। ड्राई होने के बाद ना आराम से सर्कुलर मोशन में आप स्क्रबिंग कर इसे आराम से पैक को रिमूव कर सकते हो। फाइनली मेरा पैक जो है वो है सूख चुका है, बहुत ड्राई हो चुका है मेरे फेस पर। और जब आप इसे वाइप आउट करते हो तो हल्के हाथों से आप अपने फेस को ना सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। थोड़ा सा अपने हाथों को ना वेट कीजिए, वेट कर करना स्लोली आपको मसाज देना चाहिए। मसाज देने के बाद ना अच्छे से आपका फेस जो है वो है वॉश कीजिए। मैं अपना फेस वॉश कर आकर आपसे मिलूँगी। फ्रेंड्स, मैंने फाइनली अपना फेस जो है वो है वॉश किया है। और मैं ये नहीं बोल रही कि आपको
फर्स्ट टाइम ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको इस पैक को ना यूज़ करना ही चाहिए। यूज़ करने के बाद ही आपको बहुत अच्छा एक इफेक्टिव रिजल्ट भी देखने को मिलेगा अपने फेस पर। इस फेस पैक को आपको यूज़ करना है ओनली वीक में एक बार एस फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें चावल का आटा है। राइस फ्लोर ना हमारे फेस पर ना स्क्रबिंग का काम करती है, इसलिए हम ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए स्क्रबिंग हमारे फेस पर। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वीक में एक बार ही आपको अच्छे से पैक प्लस स्क्रब दो भी आपको आराम से फेस पर ना यूज़ करना ही चाहिए, ओनली वीक में एक बार। ओके फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो पर एक ज़रूर से एक लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और कीजिए मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अनीशा स्टाइल्स। और आप ये फेस पैक लगा कर मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि आपको इफेक्टिव लगा या नहीं लगा। और आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो फ्रेंड्स। और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को। और फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन फ्रेंड्स टेक केयर, बाय।